आपके उधर काम करा रखा है योगी ने? हाँ बहुत काम, अरे हमारा चमका रखा है हमारा। अब यूपी के अंदर कौन बनना चाहिए, अखिलेश या योगी? योगी बनना चाहिए, योगी बनना चाहिए। सारी तो योगी जी से उम्मीद है? हाँ योगी से उम्मीद है, योगी तो हमारा बल्ले बल्ले है। हाँ योगी आपका बल्ले बल्ले है? हाँ योगी हमारा बल्ले बल्ले है। हाँ योगी जैसा सीएम रहे। हमारे यहाँ पे योगी सरकार है, योगी सरकार हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रखा है। अच्छा। हाँ जिसका कच्चा मकान है उसको 3.5 लाख रुपए तुरंत मिलता है जी बाबू जी। घर में घर घर में सिलेंडर मिलते हैं, घर घर में गैस मिलती है, और जिसका कुछ भी नहीं है ना उसका हर किसान को 2,000 रुपए महीना हर किसान को मिलते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी 2,000 रुपए महीना मिलते हैं, और राशन एक बार पैसे से मिलता है एक बार फ्री मिलता है हमारे यहाँ पे। आप अपने गांव कब गए थे? गांव भी मैं ये लॉकडाउन लगा था जब गए थे। हाँ लॉकडाउन में वही तो आपके उधर काम करा रखा है योगी ने? हाँ बहुत काम, अरे हमारा चमका रखा है हमारा, मोदी ने नहीं योगी ने चमका रखा है। हाँ पूरा गांव गांव बहुत बढ़िया काम कर रखा है। देखिए ये आदमी ना किसी पार्टी का वर्कर है, ये आदमी दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी है, और जो फुटपाथ पे सोने वाला आदमी राजनीति में रुचि रखता है, फुटपाथ पर सोने वाला आदमी जब जो सरकार करती है उसका उसको गिनवाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ जी बाबू जी, और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर रखा है, दबादब काम हो रहा है, वो भी काम जारी है। नहीं अखिलेश अब यूपी के अंदर कौन बनना चाहिए, अखिलेश या योगी? नहीं अभी तो जैसे योगी तो है, योगी अभी है, अभी चुनाव होंगे 10 तारीख से, तो जब भी कौन बनना चाहिए? योगी बनना चाहिए, योगी बनना चाहिए। हाँ योगी बनना चाहिए, योगी ने अखिलेश से ज्यादा अच्छे काम किए हैं जी। योगी ने बहुत बढ़िया काम किया, ऐसा सीएम हमारा होना चाहिए। हाँ देखिए बड़ी बात है, जब उत्तर प्रदेश का आदमी हरियाणा में फुटपाथ पर सोने वाला दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी जब योगी की प्रशंसा कर रहा है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश सरकार के काम गिना रहा है, ये बड़ी बात है। और हमारा पीएम भी बढ़िया है, पीएम थोड़ा ये लॉकडाउन लगा दिया ना, इसमें पीएम को हमने थोड़ा गुस्सा आ रही है हमारे ऊपर, अपने ऊपर में कि पीएम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था, काम तो कुछ भी कर दो, पीएम ने हमारा लॉकडाउन लगा दिया, इसमें गरीब आदमी और अमीर आदमी सारे परेशान हो गए, सारे परेशान हो नहीं हुए परेशान, बताओ आप ही बताओ, अमीर आदमी परेशान, सारे परेशान हो लिए बाबू जी, जिसकी हमारा 10 साल पुराना आगे जनता बढ़ने वाली वो 10 साल पीछे हो गई सारी। तो योगी जी से उम्मीद है? हाँ योगी जी से उम्मीद है, योगी तो हमारा बल्ले बल्ले है। हाँ योगी आपका बल्ले बल्ले है? हाँ योगी हमारा बल्ले बल्ले है। हाँ योगी जैसा सीएम रहे, और आज लग हुआ तो पीएम जैसे मोदी जैसा पीएम जैसा आज लग नहीं हुआ, अब आज लग हमारे यहाँ सीएम भी ऐसा कोई नहीं हुआ जैसा अब हुआ है। चलिए देखिए चलिए सरकार ला, सारी गुंडागर्दी खत्म, सारे जहाँ के तहाँ बढ़िया बढ़िया काम कर रखा, गौशाला खुल गए, और अपना गौवंश कटान जो जितने करते थे वो भी सारे बंद करवा दिए योगी ने, बढ़िया बढ़िया काम किए। बस हमको यही चाहिए कि अत्याचार ना हो, गुंडागर्दी ना हो हमारे। देखिए योगी से घर की उम्मीद है? हाँ घर की उम्मीद है। आप जैसे जो 14-15 साल से फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं उनके लिए योगी घर बनाएंगे, उम्मीद है आपको? हाँ जी हमारे यहाँ पे हम तो आज भी हमारे प्रधान हमारे कहते हैं हमारे गांव के प्रधान कि हमारे यहाँ रहो आके। आपका कौन सा गांव है? मैं सीतापुर में है, सीतापुर। सीतापुर गांव है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है, हसनापुर गांव है, थाना पिसामा, और वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के प्रधान कहते हैं यहाँ रहो आके। अगर हम वहाँ रहने जाएंगे 1 किल्ला खेती मुझे मिलेगी और मकान पक्का मिलेगा मुझे। पद पर सोने वाला आदमी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं
योगी जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी में योगी ही आएंगे, योगी ही आने चाहिए और योगी ही हम जैसे जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनके मकान की व्यवस्था करेंगे। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे, किसी नई समस्या के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।